लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2 TD4 SE वेरिएंट विद पैनोरामिक सनरूफ एंड दिस इज 2014 अगस्त मंथ रजिस्टर्ड ओनर सिंगर ड्रिवन है 69,000 किलोमीटर्स विद सर्विस रिकॉर्ड्स। टायर्स जो हैं गाड़ी के बहुत ही इमैक्युलेट कंडीशन में हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि गाड़ी ऑल ओरिजिनल है और ये जो गाड़ी है ये मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं उनके मामा जी की ये गाड़ी है और उन्होंने फर्स्ट हैंड शोरूम से ही निकाली थी। HR72 रजिस्टर्ड है, इंश्योरेंस वैलिड है इसका जुलाई 2023 तक, पॉल्यूशन वैलिड है इसका पूरे साल के लिए भी ऐसे इसका इंश्योरेंस वैलिड है। फ्रीलैंडर 2 है ये। गाड़ी की जो बूट है वो देखकर लग रहा है कि कार काफ़ी स्प्रैंकली यूज्ड है। हाउएवर गाड़ी थोड़ी सी गंदी है और टायर्स जो हैं इसके इमैक्युलेट कंडीशन में हैं। यहाँ से आप देखिए आपको पैनोरामिक रूफ मिलेगी। गाड़ी की जो छत है वो भी अच्छी कंडीशन में है, कहीं से लूज नहीं हो रही है। हाउएवर एक क्लीनअप मांग रही है गाड़ी, एक ड्राई क्लीनिंग मांग रही है, एक रबिंग बफिंग मांग रही है, उसके बाद गाड़ी के अंदर बहुत अच्छी चमक आ जाएगी। गाड़ी के जितने ग्लासेस हैं सारे ओरिजिनल हैं, जितने पीस हैं सारे ओरिजिनल पेंट हैं, कोई भी चीज़ रीपेंट नहीं हुई है और ब्लैक इंटीरियर्स मिल रहे हैं सिल्वर कलर के साथ में। इसकी जो ट्रे है ये भी बिल्कुल इंटैक्ट है। अभी बहुत ही रगेड SUV है ये, फ्रीलैंडर 2 TD4 SE वेरिएंट है। गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं उनकी आप चमक देख सकते हैं, अभी तक बरकरार है क्योंकि सिंगल ओनर कार है, ऑल ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है। मैंने अपने मेटल डिटेक्टर से पहले इसको चेक करा है तसल्ली से। मामा जी की गाड़ी है तो क्या हुआ, अपने व्यूअर्स अपने सब्सक्राइबर्स को कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकता। अगर कोई पीस पेंटेड होता है मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि गाड़ी एक्सीडेंटल ना हो, और अगर एक्सीडेंटल हो तो वो बता दो सामने वाले को कि हाँ गाड़ी सामने से एक्सीडेंटल है या कुछ भी है। बट दिस इज़ 100% ऑल क्लीन कार, ऑल ओरिजिनल पेंट, कोई पीस चेंज होने का मतलब ही नहीं है जब कोई चीज़ पेंट ही नहीं हुई है। और गाड़ी का आपको 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ, एक क्लोज व्यू आपको गाड़ी का दिखाता हूँ मैं सामने से। लैंड रोवर फ्रीलैंडर, इससे पहले भी मैंने गाड़ी डायरेक्ट कस्टमर को बेची थी, हैदराबाद के आए थे कस्टमर एंड ही इज़ वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कार। एक रगेड SUV अपने आप में। यहाँ सामने हमें लैंड रोवर की बैचिंग मिलती है, यहाँ लैंड रोवर का हमें यहाँ पे स्टिकर मिलता है। देन ये वाली जो ग्रिल है ये अक्सर मैंने अपनी काफ़ी लैंड रोवर की वीडियोस में दिखाया है कि ये एक पेंट कराने की चीज़ है जो पेंट करानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये ना काफ़ी पील ऑफ हो जाता है इसका पेंट ड्यू टू एज फैक्टर, सनलाइट, पानी, धूप, मिट्टी से। आगे यहाँ पे जो इसका ये बम्पर है यहाँ पे एक हल्का सा हमें टचअप करने की ज़रूरत है, बल्कि अगर आप चाहें तो पूरा पेंट ही करा सकते हैं, बम्पर आपको पूरा पेंट करा के दे सकते हैं। यहाँ यहाँ फिर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो काफ़ी सारे पीसेज पैचेज हैं जिनको कवर करने की ज़रूरत है। हाउएवर हेडलाइट्स आप देखिए, हेडलाइट्स को देखकर लग रहा है कि गाड़ी पूरी दिन में चली है, रात में हेडलाइट्स यूज़ ही नहीं हुए हैं। यहाँ पे आपको लाइट्स देखिए कितनी क्रिस्टल क्लियर लाइट्स मिल रही हैं। फिर आ जाते हैं हम इसके बोनट पे। बोनट का पेंट जो है इसका ऑल ओरिजिनल है, कोई स्क्रैचेस नहीं है बोनट के ऊपर। जैसी गाड़ी आई है मैं बिल्कुल वैसी गाड़ी की आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हेडलाइट वॉशर्स हमें मिल जाते हैं, यहाँ फॉग लैंप्स मिल जाते हैं जो इंटैक्ट है, तो फ्रंट से हमारी गाड़ी पूरी आपको इंटैक्ट देखने के लिए मिल रही है। फिर हम इधर से आ जाते हैं और नीचे इसकी थोड़ी सी स्कर्टिंग्स वगैरह देख लेते हैं, वो भी सब कुछ इंटैक्ट है, कहीं से कुछ लूज नहीं है, कुछ टूटा हुआ नहीं है। देन वी कम टू दिस पार्ट, यहाँ पे हमें जैसा मैंने आपको बताया बम्पर पेंट करा ही लें तो अच्छा है, ये रबिंग बफिंग से निकल जाएगा। इस पीस को, इस फेंडर को कराने की जरूरत नहीं है, ये रबिंग बफिंग से क्लीन अप हो जाएगा। टायर्स जो हैं इसके बहुत इमैक्युलेट कंडीशन में है, 69,000 चली है तो आई थिंक इसके टायर्स 40,000 या 45,000 इस पर चेंज हो गए होंगे, तो अभी 20,000 से 25,000 चल सकते हैं। अंदर सस्पेंशन इसके बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई लीकेज नहीं है। बाकी मैं गाड़ी की जब टेस्ट ड्राइव लूँगा तब भी आपको इसका अनबाइस रिव्यू दूंगा, बिल्कुल टेस्ट ड्राइव का भी। गाड़ी बाहर से भी आपको दिखा रहा हूँ, डिस्क इसके बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पे हमें फिन्स मिल जाते हैं जो एयर इंटैक के लिए हैं, और यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर्स हैं वो हमारे बिल्कुल इंटैक्ट है। ये वाला मिरर हमें ऑटो फोल्डेबल मिल जाते हैं, इस पर हल्के से स्क्रैचेज हैं बट दैट्स ओके, वो सब कवर अप हो सकते हैं। और ये वाला जो डोर है यहाँ पे अगर आप बारीक से देखोगे तो थोड़ा थोड़ा सा पेंट पील ऑफ हुआ है, ठीक है, दरवाजे खोलते बंद करते में अक्सर मतलब हो जाता है ये चीज़। बाकी ऐसे दूर से अगर आप देखोगे तो कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, अगर करीब से आप देखेंगे तो ज़रूर आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। फिर यहाँ पे हल्का सा ये एक रबिंग बफिंग के बाद ये जितने माइनर से स्क्रैचेस देखने के लिए मिल रहे हैं ये सारे कवर अप हो सकते हैं। टायर्स, फिर पीछे वाले टायर्स आप देखिए, पीछे वाले टायर्स भी अच्छी कंडीशन में है, चारों एक ही प्रोफाइल के टायर्स हैं, C8 के टायर्स हैं, अलॉयज अच्छी कंडीशन में है। इसके पीछे वाले जो इसके कॉइल्स स्प्रिंग सस्पेंशन हैं वो भी हमें बिल्कुल इंटैक्ट दिख रहे हैं। उसके बाद में हमारा ये वाला फेंडर हमारा बिल्कुल साफ साफ बचता है, ये ग्लास ओरिजिनल। गाड़ी कहीं से भी लगी पिटी भी नहीं है और ग्रीनिश आपको इसमें शेड मिलेगा देखने के लिए। ये लैंड रोवर रेंज रोवर की ये एक OEM फिटमेंट है ये, जो कि हल्का सा टिंटेड ग्लासेस आते हैं।
ये वाला फेंडर हमारा साफ साफ बचता है, हेडलाइट सॉरी टेल लाइट जो है पीछे की वो हमारी बिल्कुल इंटैक्ट है, कहीं से कोई स्क्रैचेस नहीं है, कहीं से डल नहीं है या कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये हमें यहाँ पे ब्लैक पार्ट मिल रहा है जो बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लाइट ऊपर मिल रही है और यहाँ पे आपको मोटो फाइंडर की प्लेट मिल रही है। रिक्वेस्ट करूँगा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, मैं इस तरह की डायरेक्ट कस्टमर कार्स ढूंढ ढूंढ के लेकर आता रहता हूँ, डायरेक्ट कस्टमर कार है ये भी, और अनबाइज रिव्यू देता हूँ। यहाँ पे एक कवर होना चाहिए वो मिसिंग है, बाकी जो है इसका वाइपर इंटैक्ट है, यहाँ पे कवर होना चाहिए वो एक मिसिंग है। फ्री लैंडर 2 की बैजिंग मिलेगी, लैंड रोवर की बैजिंग मिलेगी, यहाँ पे TD4 SE वेरिएंट की बैजिंग मिलेगी आपको। देन पीछे वाला जो हमारा बम्पर है वो भी मैं कहूँगा कि मतलब आप चला सकते हैं अगर आप चलाना चाहें तो, अगर आप गाड़ी की ओरिजिनलिटी मेंटेन करना चाहते हैं। पीछे के सेंसर्स जो हैं वो हमारे इंटैक्ट हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें डिफॉगर मिलता है, ऊपर शॉक फिन एंटीना है। ये वाला हमारा फेंडर फिर हमारा साफ साफ बच रहा है, लेकिन हाँ ये पानी का निशान है, ये हमारा साफ साफ बच रहा है। ये वाला डोर हमारा बिल्कुल साफ, ये भी देखिए C8 के टायर है, ये भी सेम प्रोफाइल के टायर्स हैं, तीनों टायर्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। और ये वाला हमारा पीस भी बिल्कुल साफ साफ बचता है, आगे वाला डोर भी हमारा साफ साफ बचता है, ये फेंडर भी हमारा साफ साफ बचता है, ये भी C8 का टायर है, चारों एक ही प्रोफाइल के टायर्स मिल रहे हैं। अलॉयज अच्छी कंडीशन में, डिस्क अच्छी कंडीशन में है, चारों के सस्पेंशन जो हैं वो देखने से जो है वो अच्छी कंडीशन में हमें लग रहे हैं। अब मैं आपको इसके एक बार इंटीरियर दिखा देता हूँ, फिर इंजन की साउंड सुनाऊंगा और फिर आपको गाड़ी की एक टेस्ट ड्राइव लेके दिखाऊंगा पूरी। इंटीरियर इसमें ब्लैक कलर के आते हैं जिसके चलते काफ़ी नीट एंड क्लीन है, बेज कलर के होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फ़र्क देखने के लिए मिल जाता है। कहीं से सीट्स कटी फटी नहीं है, ये देखिए बिल्कुल इंटैक्ट है जैसी कंपनी से आती है, कोई बनवाई भी नहीं है। स्टेयरिंग इसका बिल्कुल इंटैक्ट है, कहीं से रफ़ यूज़ नहीं है गाड़ी, और 8-way एडजस्टेबल हमें इसके अंदर सीट्स मिलती हैं। यहाँ पे फिर हमें जो लैंड रोवर रेंज रोवर में ज़्यादातर हमें जो पावर विंडोज़ हैं वो यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, और ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, यहाँ क्रोम फिनिश मिल रहा है, मेरिडियन का सिस्टम है, जो स्पीकर्स हमें मिलेंगे डोर्स में मिलेंगे, 6 स्पीकर्स आएंगे, लॉक अनलॉक का बटन हमें यहाँ पे मिलेगा और पावर विंडो का बटन मिलेगा, यहाँ पे हमें ट्यूटर्स भी मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए आपको क्रोम फिनिश साथ साथ देखने के लिए मिलता रहेगा क्योंकि SE वेरियंट है ये, और इसके अंदर हमें ऊपर पीछे वाली सीट भी एक बारी आपको दिखा देता हूँ। पीछे वाली सीट भी देखिए आप, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, पीछे वाली सीट से जैसे यूज़ ही नहीं हुई है। और ऊपर अगर आप देखेंगे, ऊपर यहाँ पे हमें डबल सनरूफ मिल रही है, पैनोरामिक सनरूफ है जिसके कर्टेन्स इंटैक्ट हैं। ऊपर हल्की सी थोड़ी गाड़ी गंदी ज़रूर हो रही है, ये हमें एक बारी ड्राई क्लीनिंग कराने की ज़रूरत है। गाड़ी में बैठने के बाद में लगता है कि एक अच्छी हाइट पे बैठे हैं, पीछे बहुत कंफर्टेबल है गाड़ी, आगे दोनों सीट्स में आर्मरेस्ट मिलेगा। यहाँ से मैं डोर्स देख रहा हूँ इसके, वो बिल्कुल इंटैक्ट लग रहे हैं मुझे, ये देखिए डोर्स जो है इसके, चारों डोर्स मैं देख चुका हूँ इसके, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ। और यहाँ पे कप होल्डर्स मिल रहे हैं, ग्लास होल्डर्स हमें मिल रहे हैं। ये वाला डोर भी आपको दिखा देता हूँ, वैसे मैं चारों डोर्स चेक कर चुका हूँ, ये मतलब मैं पेंट वर्क ही चेक कर चुका हूँ सारा। यहाँ पे आप देखिए ये वाला डोर बिल्कुल इंटैक्ट है, बिल्कुल इंटैक्ट है इसके डोर्स। एक बार इसका बूट ओपन करके मैं आपको इसका इंजन की साउंड भी सुना देता हूँ और इसका इंजन दिखा देता हूँ, उसके बाद गाड़ी की एक टेस्ट ड्राइव लूँगा। और टेस्ट ड्राइव में जो बिल्कुल अनबाइज चीज़ होगी मैं वही बताऊँगा, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि कोई कस्टमर आए इतनी दूर से और फिर उनको ये लगे कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ है या मैं गलत गाड़ी देखने के लिए आया हूँ, मैं वो नहीं चाहता। इससे पहले मैंने जो फ्री लैंडर 2 बेची थी उसका यहाँ से पूरा डैशबोर्ड, आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, पूरा यहाँ से डैशबोर्ड पे पूरा यहाँ से एक वो आया हुआ था, ब्रोक हुआ हुआ था ड्यू टू सनलाइट फैक्टर, वो हमने कस्टमर को बता कर दी और वीडियो में भी हमने बताया था, क्योंकि सर जैसी चीज़ होगी वैसे ही पैसे होंगे। वो गाड़ी आई थिंक बिकी थी 10.5 लाख रुपए की बिकी थी वो गाड़ी, और ये वाली गाड़ी जो है ये 12 लाख रुपए की है क्योंकि ऑल ओरिजिनल है, सिंगल ओनर है, 2014 है और आपका अगस्त मंथ रजिस्टर्ड है, इंश्योरेंस वैलिड है हमारा इसका जुलाई 2023 तक, पॉल्यूशन पूरे साल के लिए वैलिड है, ऑल ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है, कभी किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है इंजन पे या फेंडर्स पे। आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है, पूरी सर्विस रिकॉर्ड्स के साथ है क्योंकि जो ओनर हैं उन्होंने फर्स्ट ओनर गाड़ी ली थी और उन्होंने सारा काम कंपनी में कराया है। बैटरी भी मुझे इसकी, बैटरी आप एक बार को चाहो तो एक बार को चेंज करा सकते हैं, बट बैटरी का मुझे देखना पड़ेगा, बैटरी चेंज कराने की ज़रूरत है या नहीं। एक बार मैं आपको सेल्फ मार रहा हूँ इसका और इंजन की साउंड भी सुनाता हूँ। गाड़ी का मैंने आपको सेल्फ मार के दिखा दिया, गाड़ी बिल्कुल हाफ सेल्फ स्टार्ट है, सो बैटरी की भी अभी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं और यहाँ पे भी किसी तरह का कोई मैसेज पॉपअप नहीं हो रहा है। इस गाड़ी में बैठ के ना मुझे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सी SUV है और बहुत रगेड SUV है,
सनरूफ की सनरूफ है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, डीजल इंजन है, एवरेज भी गाड़ी अच्छी देती है। यहाँ पे एक बारी मैं आपको इसके फीचर्स दिखा देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। ये यह हमें यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल रहा है, फिर यहाँ पे हमें ग्लोव बॉक्स मिल रहा है सामान रखने के लिए, कप होल्डर, एक कप होल्डर, दो कप होल्डर, यहाँ पे हमें सिगरेट लाइटर वगैरह और चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह मिल रहे हैं, ऑक्स मिल रहा है, यूएसबी का मिल रहा है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, आप इसको मैनुअल भी चला सकते हैं और इसको ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं। यहाँ पे हमें टच स्क्रीन सिस्टम मिल रहा है, ऑडियो वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें टच स्क्रीन सिस्टम मिल रहा है। नेविगेशन देखते हैं, नेविगेशन भी है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे बड़े बड़े एसी फिन्स हमें मिल रहे हैं और ये जो लाइट्स हैं, लाइट्स के थ्रो भी हमारा ठीक है। और सनरूफ को भी एक बार देख लेते हैं, प्रॉपरली फंक्शनल है हमारी सनरूफ भी, अच्छी कंडीशन में है, कोई दिक्कत लग नहीं रही है, सिंगल टच के साथ जा रही है, सिंगल टच के साथ आ रही है। यहाँ पे दोनों रिट्रैक्टेबल मिरर जो हैं वो हमारे प्रॉपरली फंक्शनल हैं। और इंडिकेटर चला के देख लेते हैं, चारों इंडिकेटर्स हमारे वर्किंग हैं, यस। और कोई मैसेज पॉपअप नहीं हो रहा है किसी भी तरीके का कि कोई भी एरर हो गाड़ी के अंदर। टायर्स अच्छी कंडीशन में है, इंश्योरेंस वैलिड है आपका, पोल्यूशन वैलिड है आपका, सिंगल ओनर 2014 है, तो मतलब व्हाट एल्स डू यू वांट। मतलब आप अगर दिल्ली एनसीआर में भी चलाने की बात करते हो तो आप आराम से इसको 2024 तक, अगस्त तक चला सकते हो, डेढ़ साल, उसके बाद एनओसी निकाल के आप इसे बाहर स्टेट में भेज सकते हो। और अगर आप बाहर से ये गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हैं, आप बाहर से ये गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको तो सर 2014 के बाद 5 साल और मिल जाएंगे, 2029 तक आप इस गाड़ी को चला सकते हो। और HR72 है तो NOC का भी कोई इशू नहीं आएगा। गाड़ी की ड्राइव बहुत स्मूथ है, ऑनेस्टली बहुत स्मूथ ड्राइव है और बहुत इमैक्यूलेट कंडीशन की कार है। सिंगल ओनर कार में एक ये बहुत अच्छी चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है कि गाड़ी को कस्टमर बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि आफ्टरऑल फर्स्ट हैंड जब उन्होंने ली होगी अप्रॉक्सीमेटली 60-65 लाख रुपीज़ की उनको पड़ी होगी ये गाड़ी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिप्रिसिएशन उनके ऊपर आया है। इतना जो उन्होंने गाड़ी रखी 8 साल मोटा मोटा, उसका जो डिप्रिसिएशन आया है, उसके बाद आज सिर्फ 12 लाख रुपए उनको मिल रहे हैं इस गाड़ी के। और 12 लाख रुपए में सर मतलब क्या ही मिलता है, ऑटोमेटिक डीजल सनरूफ के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है। और ये मतलब एक हाईवेज के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, आप कहीं दूर दराज जा रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। और गाड़ी को देखो, गाड़ी की हैंडलिंग इतनी स्मूथ है और इतनी बम्पी रोड्स है, उसके बाद भी सस्पेंशन में मुझे कोई काम नहीं लग रहा है। हाउएवर दिसंबर का महीना है तो एसी चला के हम नहीं देखते हैं जब गाड़ी चेक करने आते हैं, लेकिन मैं जब अपनी वीडियो बनाता हूँ तो एसी चला के भी देखता हूँ। ऑटो क्लाइमेट ड्यूल जोन कंट्रोल हमें एसी मिल रहा है, जो कि हीट पे अभी कर रखे हैं इन्होंने। ये हमारी क्लॉक वर्किंग कंडीशन में है, म्यूज़िक सिस्टम हमारा वर्किंग कंडीशन में है, मैं आपको म्यूज़िक सिस्टम भी सुना देता हूँ। शाहरुख भाई का गाना हिट चल रहा है, पठान मूवी, पठान मूवी का भी प्रमोशन कर देते हैं, पठान मूवी देख कर आए, हम भी देख कर आएंगे शाहरुख भाई की मूवी, उसी के सॉन्ग चल रहे हैं आजकल सब जगह पे। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। गाना भी बहुत अच्छा है पठान मूवी का, और म्यूजिक सिस्टम मेरिडियन का है वो भी बहुत अच्छा है। एक गाड़ी की हैंडलिंग वाकई बहुत अमेजिंग है, टर्निंग रेडियस बहुत छोटा है और गाड़ी में बैठने के बाद में एक हाइट बहुत अच्छी मिल रही है। इंजन माउंटिंग, गियर माउंटिंग, टायर, सस्पेंशन, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और हमारे हेडलाइट वॉशर्स वगैरह, मतलब एवरी थिंग इज़ इन अ वेरी गुड कंडीशन। वाइपर में अभी तक वो भी है, पानी भी है, वो भी सर्फ वाला, तो इससे पता चलता है कि गाड़ी को कितना मेंटेन रखा है, गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड है, एसी अच्छी कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में है हमारा, टायर्स अच्छी कंडीशन में है। सर 12 लाख रुपए इसका लास्ट प्राइस है, उसको प्लीज़ नेगोशिएट ना करें, वो फिक्स्ड और फाइनल प्राइस है। अगर आप ये गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप करें, और आप मेरा कैटलॉग भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई और गाड़ी देखनी है तो आप मेरा कैटलॉग भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कैटलॉग का लिंक है, आपको सिर्फ इसे प्रेस करना है और मेरा कैटलॉग आपको पॉपअप हो जाएगा आपके व्हाट्सएप में। वहाँ पे हर गाड़ी के 10 फोटोज़, डिटेल्स, आस्किंग प्राइस, वीडियो लिंक, यूट्यूब वीडियो लिंक, सब कुछ होता है वहाँ पे। आराम से बैठकर आप उसको, हर गाड़ी को एनालाइज करें जो भी आप लेना चाहते हैं। और अगर आप अपनी कोई गाड़ी सेल करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ दिल्ली NCR में ही वीडियोज़ कवर करता हूँ और लग्जरी और प्रीमियम कार्स की ही कवर करता हूँ। तो अगर आपके पास लग्जरी और प्रीमियम कार है और आप दिल्ली NCR में हैं और अगर आपके नाम पे RC है तो सर हम आपकी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएंगे और आपकी गाड़ी अपने चैनल पर पोस्ट करेंगे। So thank you friends, thank you for watching me and I recommend this car to buy. It is very good condition car, honestly very nice condition car. So thank you friends, have a good day.